है, तो रिगार्डिंग द न्यूक्लियर मूवमेंट्स काफी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सो वेदर इट वाज मैग्नेटिक ट्रांजिशंस, वेदर इट वाज इलेक्ट्रिक ट्रांजिशंस, वो भी हम बात कर चुके हैं बेटा। मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशंस दैट दोस वर कॉल्ड F1, या फिर आप E1 या E2 के ट्रांजिशन की बात कर रहे थे हम, वो वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज आपके जो बुक नोट्स हैं, जो कॉपी वाले नोट्स हैं, उसमें थ्रेटिकल डिस्कशन ज्यादा रहता है, अदरवाइज फिजिकल सिग्निफिकेंस पता ही नहीं लगेगा। सो न्यूक्लियर मूवमेंट की बात कर रहे थे। सो उसमें हमने स्टडी किया था कि हमारे पास जब हम बिकॉज न्यूक्लियस का जो चार्ज है, इट इज नॉट ए पॉइंट चार्ज, एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बिकॉज न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, प्रोटोन के ऊपर चार्ज होता है तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। इस वजह से आपके पास क्या आएगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से आपके पास एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपके पास मल्टीपोल्स आएंगे। तो मल्टीपोल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रोपोल, ऑक्टोपोल, हेक्साडेकोपोल, ऐसी टर्म्स आएंगी जब आप न्यूक्लियर पोटेंशियल को एक्सपेंड करोगे। ठीक है जी। सो उसकी वजह से आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल भी आएगा, इलेक्ट्रिक का क्वाड्रोपोल टर्म्स भी आएंगी, तो सारे की सारी टर्म आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ऑन द स्क्रीन कि आपके पास क्या है, मल्टीपोल ऑपरेटर्स इन बॉडी फिक्स्ड फ्रेम एंड लेबोरेटरी सिस्टम कैन बी रिलेटेड लाइक दिस। तो इसमें कैसे रिलेट करेंगे, बिकॉज आपका जो न्यूक्लियस है वो रोटेशनल मोशन भी होगा, उसमें वाइब्रेशनल मोशन भी होगा, तो इस वजह से आप क्या करेंगे, जो न्यूक्लियस है जो बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में है, जब वो रोटेट करेगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उसको रिलेट करने के लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स दैट दोस आर रोटेटेड वंस, उसमें हम डीप मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जो आपका ऑपरेटर होगा, मल्टीपोल ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, जब वो ऑपरेट करेगा तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग वर्क की जाएगी। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर गामा रेज गामा मिशन इन मल्टीपल ऑफ ऑल्टर एल इज गिवन बाय, तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आपके पास जो भी दो लेवल है, एक्साइटेड स्टेट से लेके ग्राउंड स्टेट तक अगर कोई भी डिके हो रहा है, तो उस केस में आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी कि ट्रांजिशन हो सकती है या फिर नहीं होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इट विल बी गवर्न्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। आपके पास लेवल विड्थ होगी, लेवल विड्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सिलेक्शन रूल्स होंगे, सिलेक्शन रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास वेरियस टर्म्स आएंगी, पैरिटी चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, आपका एंगल मोमेंटम चेंज बाय 1 यूनिट से होना चाहिए या 2 यूनिट से होना चाहिए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ऐसा फैक्ट आ सकता है। तो ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी जो है एग्जैक्टली गिवन बाय 8 पाई L L+1। या बेटा ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, ऐसा सच नहीं है, बिकॉज आपके पास अटोमिक न्यूक्लियस भी एटम भी एग्जिस्ट करता है, एटम के भी एनर्जी लेवल होते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल होते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू जब आप सॉल्व करने की बात करते हो तो एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है हमारे पास, दैट विल बी गिवन बाय 8 पाई L+1 L × 2 L+1 का डबल फैक्टोरियल है रेस्ट पावर 2 1 बाय h क्रॉस डेल्टा e इनटू h क्रॉस e रेस्ट पावर 2 l प्लस 1 इनटू b ऑफ l। सो काफी बल्कि सा एक्सप्रेशन हमारे पास दे रखा है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। तो काफी सारी मैथमेटिक्स करने के बाद हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं। तो इसमें जो मेन फीचर है जो हम एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, दैट इज बी ऑफ एल। तो डिपेंडिंग ऑन द मल्टीपोल, अगर एल इज इक्वल टू 1 हो गया तो आपके पास डाइपोल हो गया, अगर एल इज इक्वल टू 2 हो गया तो क्वाड्रोपोल हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन द मल्टीपोल आपके पास जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी, जिसको आप रिड्यूस्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, दैट विल बी गवर्न्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स। ठीक है जी। तो रिड्यूस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी विल बी गिवन बाय जिसको हम बी एम वन या बी ई वन या बी ई टू बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बी एल क्या लिखा हुआ है, एल आपके पास या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अगर एल इज इक्वल टू 1 हो गया तो इसको डाइपोल बोलेंगे, एल इज इक्वल टू 2 हो गया तो हम इसको क्वाड्रोपोल बोलेंगे। ठीक है जी। आई इज इक्वल टू 1, 2 से लेके आई सॉरी आई दिस इज योर इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल कौन सा होगा, एक्साइटेड स्टेट होगी। ये फाइनल लेवल कौन सा होगा, जो ग्राउंड स्टेट होगी या लोअर स्टेट होगी। ठीक है जी। तो मैंने बीई टू का कंसेप्ट बताया था, अगर आपके पास देख लीजिए एल इज इक्वल टू 2 आ गया तो आपके पास जो ई टू का जो 2 है वो आपका जस्टिफाई हो जाएगा, एंड कौन सी ट्रांजिशन का नेचर है, पैरिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही, कौन सा वेक्टर है, वेदर इट इज मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाला पंडा आ जाएगा। सो इट विल बी आइदर बी एम वन, बीई टू और बी बी ई वन।
सो उसके रिगार्डिंग आपके पास दे रखा है कि जो मल्टीपोल ऑपरेटर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसका मैट्रिक्स एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे और उसका स्केयर कर देंगे कि आपका फर्मी गोल्डन रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एक्सप्रेशन ड्राइव हुआ है। जो बड़े वाला एक्सप्रेशन हमने पहले देखा है दैट इज गिवन बाय द फर्मी गोल्डन रूल, ठीक है जी। तो इस सारे का सारा पार्ट फर्मी गोल्डन रूल का आ जाता है। So in addition to this, the multipole radiation obeys the following selection rules for the angular momentum and parity. तो आपके पास जो selection rule दे रखे हैं वो वाले सारे के सारे rules follow होने चाहिए। तो आपके पास क्या है बेटा, एक selection rule ये वाला दे रखा है Fermi Golden rule के corresponding आपके पास selection rule जो बने हुए। उसके बाद अगर galactic transition होगी तो आपके पास जो parity का product होगा for the initial and final state it will be given by -1^n। मतलब इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर E1 ट्रांजिशन है बेटा, मैंने आपको पहले कल भी बताया था, तो पैरिटी चेंज होगी। तो L इजिकल टू 1, अगर L इजिकल टू 1 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाइपोल ट्रांजिशन होगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, -1 आ जाएगा, तो पैरिटी चेंज होगी होगी। अगर मैग्नेटिक ट्रांजिशन है, अगर M1 है तो उसमें पैरिटी चेंज नहीं होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, -1^(L+1), मतलब 1 + 1 कितना हो गया बेटा, 2, तो -1^(2)=+1, तो पैरिटी चेंज नहीं होगी। अगर अगर साइन प्लस आ गया तो प्लस वन हो गया तो हमारे पास मैग्नेटिक ट्रांजिशन होगी, अगर -1 हो गया तो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन होगी। मतलब अगर डाइपोल ट्रांजिशन है, अगर पैरिटी चेंज है तो इलेक्ट्रिक, अगर पैरिटी चेंज नहीं है तो मैग्नेटिक, ठीक है जी। जब आप L इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो उस केस में आपके पास अलग फंडा हो जाएगा। अगर L इज इक्वल टू 2 पुट किया आपने यहाँ पे तो उस केस में क्या आएगा, -1^(2), दैट विल बी इलेक्ट्रिक। मतलब E2 ट्रांजिशन कब होगी, जब आपके पास पैरिटी चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक ट्रांजिशन, मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल कब होगी, जब आपके पास पैरिटी चेंज होगा, बिकॉज 2+1=3, ठीक है जी। तो -1^3 आपके पास ऑड केस हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो ये तीन आपके सिलेक्शन रूल दे रखे हैं। तो इसमें मैं पहले बता दूं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले कि आपके पास जो भी जितना भी लिटरेचर है उसमें ओनली अपने सरफेस को स्क्रैच करना है, लिमिटेड मटेरियल लेना है। ये नहीं है कि आप सारा का सारा रट्टा मारने लग गए, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। अगर रट्टा भी मारोगे तो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर जाओगे, ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ पे। इसमें ओनली जितना मटेरियल आपको माइंड में रहता है या जिसको जितना भी समझ आता है उसी को याद रखना है यहाँ पे, ठीक है जी। सो बिकॉज लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस आर गिवन हियर, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मूवमेंट L इज इक्वल टू 2, सो इसमें या तो E2 ट्रांजिशन होगी या फिर M2 ट्रांजिशन होगी, एंड क्वाड्रुपल मूवमेंट के रिगार्डिंग ये है। सो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मूवमेंट ऑपरेटर दैट इज M(2)(m)^(prime) लगा रखा है बेटा ऑफ E, ये आपका रोटेटेड सिस्टम है जहां पे प्राइम लगा रखा है बेटा, कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दी वेव फंक्शन साई एम आई एम के, जो मैंने हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कलेक्टिव, अगर आपके सिस्टम में कलेक्टिव ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो आप वेव फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, यू आर डिफाइनिंग यूर वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आई एम एंड के विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन कर देते हैं, ठीक है जी। सो आई आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया, जो एम होगा इट इज दी प्रोजेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑन दी रोटेशनल एक्सिस, जो के है वो आपका प्रोजेक्शन ऑफ दी एंगुलर मोमेंटम ऑन दी सिमेट्री एक्सिस है। तो आपके पास दो एक्सिस होती है, एक वो एक्सिस होगी जिसके अराउंड आपका न्यूक्लियस रोटेट करेगा, दूसरी एक्सिस वो होगी जिसके क्रॉस आपका न्यूक्लियस जो है वो सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है जी। सो जो आपका के है वो यहाँ पे ओमेगा के कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखा है। तो काफी सारा लिटरेचर आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है जी। विच इज डिफाइंड अर्लियर, तो हमने ये सब पार्ट पहले ही डिफाइन कर रखा है। तो यूजिंग दी अबव वेव फंक्शन, सो दी मैट्रिक्स एलिमेंट एम प्राइम एल जीरो, तो सबसे पहले जीरो कंपोनेंट हम इसमें चूज करके चल रहे हैं, ठीक है जी, इज गिवन बाय। सो इसमें आपके क्या, आपके पास क्या रहेगा, आई प्राइम एम प्राइम एंड के, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो मैट्रिक्स एलिमेंट होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्वांटुपोल टर्म, क्वांटुपोल ऑपरेटर दैट विल बी गिवन बाय दिस टर्म, ये आपने पहले भी देखा हुआ है। जब एनी अदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जितने भी आपके पास वाइब्रेशन के अलावा आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, हमने काई के साथ लिखा हुआ था काई ऑफ के, फिर आर प्राइम लिखा हुआ है, काई ऑफ के एंड आर लिखा हुआ है, एंड उसके बीच में आपका ऑपरेटर लगेगा, एंड जो आपके पास एक्स्ट्रा फैक्टर आएंगे 2i+1 डिवाइडेड बाय 8π स्क्वायर वाला पार्ट जो है, ये भी हमने पहले इसको देखा हुआ है। तो अदरवाइज आपके पास जो रोटेशन आएगी सिस्टम की वो आपकी डी मैट्रिक्स के साथ गवर्न की जाएगी। तो ज्यादा हॉच पॉच नहीं है, ये आप लिख सकते हैं आराम से।
ठीक है जी। तो बाकी सारी मैथमेटिक्स है बेटा, ये आपने लिखा भी हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ द एंगल मोमेंटम ऑन द रोटेशन एक्सिस एंड सिमेट्री एक्सिस एम एंड के को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं तो यहाँ पे हम एम नहीं लिखते बेटा, आई के अगर उसका आई का सबस्क्रिप्ट डाल देते हैं, पैर में एक्स डाल देते हैं, या सुपर स्क्रिप्ट उसका एक्स डाल देते हैं, तो जो उसको आई एक्स या आई बोला जाता है, एम कम बोला जाता है, लेकिन लिटरेचर में थ्योरी में हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स की बुक उठाओगे तो वहां पे आई एक्स लिखा मिलेगा, वहां पे आपको एम कम दिखने के लिए मिलेगा, तो नोटेशन का भी फर्क पड़ जाता है अगर कोई बुक भी चेंज करेगा तो। ये सारे का सारा पार्ट कोई थोड़ा थोड़ा आपने जो इक्वेशंस है उनको आपने सॉल्व करके बताया हुआ है, जो आपके पास इसके तीन चार पार्ट है जो आपके पास दे रखे हैं बेटा, जो है जो आपके पास मैट्रिक्स एलिमेंट जिसको आप कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास तीन फैक्टर है, पहला फैक्टर ये वाला हो गया बेटा, उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है मैट्रिक्स एलिमेंट, तीसरा आपके पास इंटेग्रल है, तो तीनों का आपको साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेरियस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। तो जब इन आप तीन इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन वगैरह ड्राइव होंगे, उस पर आप चेक कर सकते हैं बेटा। जब आप इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो आपके पास ऐसा फैक्टर रहेगा, मैं डिटेल में नहीं जाता बेटा, एम के पॉल की बुक में देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो ज्यादा डिटेल नहीं है, अदरवाइज लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा, सारा इसमें घूमते रहेंगे। सो इसके रिगार्डिंग हम क्या है, आप इसको चेक कर सकते हैं, जो इसको जो ये वाला पार्ट है इसका जो मैट्रिक्स एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, मैट्रिक्स एलिमेंट को सॉल्व करेंगे तो ऐसा फैक्टर आएगा, दूसरे को सॉल्व करेंगे तो ऐसा फैक्टर आएगा, उसके रिगार्डिंग जब आप टोटल मैट्रिक्स एलिमेंट सॉल्व करने की बात करेंगे तो आपके पास ये टोटल एक्सप्रेशन यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा, तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से एक्सप्रेशन आएंगे। ठीक है जी, सो यूजिंग राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, इसको आप डिराक डेल्टा फंक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो सिंपल सिंपल टर्म रखिए, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, जितना हमारे काम करने वाली चीज है हम उतना ही काम करेंगे। उसके रिगार्डिंग हमारे पास सो यूजिंग द वेरियस रिजल्ट्स द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ द क्वाड्रुपल मूवमेंट ऑपरेटर एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज, सो जो हमारे पास क्वाड्रुपल मूवमेंट आएगी आई एफ के वाली फॉर द केस ऑफ एल इज इक्वल टू टू, उसको हम ऐसे लिखेंगे दैट विल बी गिवन बाय क्यू नॉट इंटू थ्री एम स्क्वायर माइनस आई इंटू आई प्लस वन डिवाइडेड बाय आई इंटू आई प्लस वन टू आई माइनस वन एंड टू आई प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री के स्क्वायर माइनस आई इंटू आई प्लस वन के रिगार्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वाड्रुपल मूवमेंट है, एंड जो क्यू नॉट है वो आपके पास इंट्रिंसिक क्वाड्रुपल मूवमेंट है, जो न्यूक्लियस की एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है वो आप एज सच नहीं मेजर कर सकते, आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वाड्रुपल मूवमेंट होगी जो आप ड्राइव कर सकते हैं। तो इंट्रिंसिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक दोनों में फर्क होता है। एक और भी चीज होती है बेटा डायनेमिकल क्वाड्रुपल मूवमेंट एंड स्टैटिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, वो सारे का सारा पार्ट यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, आप इसका थर्ड कंपोनेंट भी ड्राइव कर सकते हैं, m into k into i into i plus 1 यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। The value of the quadruple movement operator r in the laboratory system and q not r in the body fixed frame, तो q not को हम स्टैटिक भी बोल देते हैं, जो quadruple movement जो हमने ड्राइव किया है दैट इज कैपिटल q, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है जी, the quadruple the q operator can be related to the m to 0 by the रिलेशन, इसको हम रिलेट भी कर सकते हैं वेरियस टर्म्स के रिगार्डिंग, ये वाला एक्सप्रेशन आपने कई जगह देखा होगा 3z² - r² के रिगार्डिंग। ठीक है जी, क्यू नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियर शेप एंड आल्सो नोन द क्वाड्रुपल मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं बेटा। उसके बाद आ जाता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात हमने पहले भी की है कि अगर आपके पास दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रही है तो उसके केस में आपके पास फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी कि ट्रांजिशन अकर होगी या नहीं होगी, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, 10%, 20%, 30%, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांजिशन अकर होगी, तो वो कौन गवर्न करेगा बेटा, दैट विल बी गिवन बाय द पैरामीटर्स दैट इज BE2, हियर BE2 इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल ट्रांजिशन है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जितनी भी ट्रांजिशन आएंगी उसके विद रिस्पेक्ट टू जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी गिवन बाय BE2 फैक्टर। सो रिड्यूस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर E2 ट्रांजिशन फॉर द इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल ट्रांजिशन इन द सेम रोटेशनल बैंड कैन बी ऑब्टेन्ड एज, तो दूसरी बात जो उन्होंने लिखी हुई है जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कि सेम रोटेशनल बैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास जैसे आपकी कॉपी के ऊपर ये लाइनें बनी हुई है, एक अगर एक ही न्यूक्लियस का बैंड होगा तो आपके पास ऐसे ही लेवल दिखेंगे वन बाय वन, एक के ऊपर एक लेवल आपको दिखेगा जैसे हमने कल भी बनाए थे। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर आप सेम बैंड के एक ही बैंड के अंदर आप ट्रांजिशन प्रॉब्लम
प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, कैसे निकालोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियर स्टेट। तो हर एक स्टेट का आप लाइफ टाइम निकालेंगे, लाइफ टाइम निकालने के बाद आप उसका BE2 निकालेंगे। अगर आपके उस पास एक पर्टिकुलर ट्रेंड ऑब्टेन होता है तो आपको पता चलेगा आपके पास ये वाला फेनोमेना है, मैग्नेटिक रोटेशन है, एंटी मैग्नेटिक रोटेशन है, सुपर डिफॉर्मेशन है, वॉबलिंग है, टाइडल वेव्स है, कैरालिटी है, सारे के सारे न्यूक्लियर फेनोमेना जितने भी है वो यही से निकल के आते हैं। BE2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है अदर देन दिस स्पिन। तो एक तो आपके पास स्पिन होनी चाहिए, एक उसकी ट्रांस प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, तो आप काफी सारे फॉर्मूला जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप उसकी न्यूक्लियस की शेप के बारे में काफी सारी प्रेडिक्शंस बता सकते हैं। तो आपकी BE2 जो दे रखी है बेटा, दैट विल बी गिवन बाय 5/16 पाई ई स्क्वायर इनटू क्यू नॉट स्क्वायर I2 इनटू के नॉट With respect to I prime and K, the whole square. तो यहाँ पे आपके जो मैट्रिक्स एलिमेंट है, मैट्रिक्स एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा बेटा, अदरवाइज हमारा लेक्चर यहीं पे रुक जाएगा, हम सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके लिए जितना रेलिवेंट है उतना ही उठा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर डाइपोल मूवमेंट का कंसेप्ट आपने बेटा पहले भी मैंने बता रखा है, एमके पॉल में सारे का सारा लिटरेचर ये वाला सॉल्व किया हुआ है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डिफॉर्म्ड ऑड न्यूक्लियस राइजेस फ्रॉम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इनर्ट कोर रोटेटर एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम जे ऑफ द लास्ट ऑड न्यूक्लियर। तो डाइपोल मूवमेंट का कंसेप्ट कैसे आया, डाइपोल मूवमेंट किसके विद रिस्पेक्ट टू होगी, जो जैसे हमने शेल मॉडल कंसिडर किया था, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल, उसमें आपके पास R+J का कंसेप्ट है कि रोट एक रोटर बना हुआ है, उसके जो आपकी कोर है उसके बाहर एक या दो वैलेंस न्यूक्लियर है जो अनपेयर्ड स्टेट में है, उसकी विद रिस्पेक्ट टू आपके पास न्यूक्लियर डाइपोल मूवमेंट आएगी या मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है जी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी गिवन बाय रोटर प्लस लास्ट वैलेंस न्यूक्लियस। तो आपके पास क्या आएगा, R+J का कंसेप्ट आ जाएगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जिसके जी फैक्टर भी आपको लगाने पड़ेंगे, जो जो आपके रोटर का वेटेज देंगे, सो G(R+G)L(Ni)S(S)N(N)। तो आपके पास जितने भी वैलेंस न्यूक्लियर है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आप इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, G(R)R(Z), बिकॉज जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो उसके Z कंपोनेंट का मैट्रिक्स एलिमेंट होता है, इसीलिए आपने इसको Z कंपोनेंट के साथ ही रिप्रेजेंट करना है। तो RZ यहाँ पे लिखा हुआ है, LZ लिखा हुआ है एंड SZ लिखा हुआ है, इसका मैट्रिक्स एलिमेंट आपको निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दी स्पिन, वेयर G(L) एंड G(S) आर द जी फैक्टर्स ऑफ द लास्ट वैलेंस न्यूक्लियर और द पार्टिकल। तो R+J का कंसेप्ट है बेटा, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। GFR is the G factor for the rotational motion and which is approximately equal to ZYA. जो rotor होता है उसके corresponding जो G factor है that is approximately given by ZYA, इसके regarding ही दिया जाता है। almost अगर आपके पास light nuclei है तो ये 1/2 की ratio आती है, ये हमने पहले भी देखा था, मैंने आपको 1/2 ratio का बताया भी था, because अगर light nuclei है तो जैसे sodium है, sodium 23 है तो 11 उसके protons हो गए, उसके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 12 न्यूट्रॉन हो गए, तो टोटल मास नंबर कितना है 23, और आपके पास एटॉमिक नंबर है 11, तो 11/23 कितना हो गया बेटा, ऑलमोस्ट 1/2 हो गया। सो ऑल्सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस, जो आपने मैंने पहले बताया था कि I = R+J का कंसेप्ट है, तो रोटर के केस में R = I - J, यही से निकाल सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस विल बी गिवन बाय दिस। तो therefore आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट यहां से निकाल सकते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी गिवन बाय टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द केस ऑफ I एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जे G(R) नहीं आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग G(P) दूसरा आएगा पार्टिकल, जे G(P) होना चाहिए, R नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा कंसेप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं है बेटा, ओनली कुछ ना कुछ उठा के लिखा हुआ है कहीं ना कहीं से। ठीक है जी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि M1 ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो M1 ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है, M1 ट्रांजिशन होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग BM1 प्रोबेबिलिटी आएगी, अगर आप BE1 ट्रांजिशन हो गई तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास BE1 आएगी। तो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आपके पास यहाँ पे दे रखी होगी, आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करना है, मैट्रिक्स एलिमेंट निकाल के उसकी वैल्यूज वगैरह फिल आउट करनी है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास मल्टीपोल ऑपरेटर होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने इसका मैट्रिक्स एलिमेंट निकालना है एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने उसका मैट्रिक्स एलिमेंट का स्क्वायर करके BM1 निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर फर्मी कोल्डन रूल।
दैट्स ऑल। इसके बाद हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ स्ट्रिपिंग एंड पिकअप एक्शन जो है बेटा, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। इसको एक बार देख लीजिएगा, आज एमके पॉल या रॉयड निगम की बुक में शायद कहीं ना कहीं कुछ दे रखा हो, डिटेल नहीं होती बेटा मोस्टली यहाँ पे, बिकॉज न्यूक्लियर जो रॉयड निगम बुक जो है वो अलग एंगल से चलती है, जो एमके पॉल है वो अलग अलग एंगल से चलती है, तो उसमें देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच, अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए बेटा। हाँ जी बेटा, एनी डाउट्स एनी क्वेश्चंस।